हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो रोहित शर्मा कैरम मोड का भी हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज हमारा मैच नंबर 7 है, ये है तमिलनाडु के साथ। और इनके साथ हमारी एल क्लासिको हमेशा रहता है, क्योंकि इसी टीम ने हमको बाहर किया था वो ब्लिट्ज टूर्नामेंट से। तो आज पूरा बदला लेंगे इसके साथ हम। हो सकता है हमारी पहली सेंचुरी इसी टीम के खिलाफ आ जाए। और बिग शॉट आउट टू तरुण गेमिंग का फिर से, कि उन्होंने लास्ट टाइम 20th सुपर चैट दिया था। रियली अप्रिशिएटेड, और अपना प्यार दिखाते रहिए। आप इस वीडियो को भी लाइक करते रहिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू विजिटर हो यहाँ पे। तो चलिए, फिलहाल सिक्का उछलेगा और मैं कॉल कर रहा हूँ हेड्स का। लेट्स सी, अगर हम जीते तो फिर ऑब्वियसली पहले बैटिंग की जाएगी हमारी तरफ से। कम ऑन कैप्टन जी। बिल्कुल टॉस जीते, बहुत ज़्यादा लकी बंदा है ये सच में। टीम भी लकी है, मतलब इसकी भले इसकी बैटिंग पता नहीं कौन है शक्ल से, बैटिंग इसकी ना भी आए बट फिर भी ये टीम जीत जाती है। ओके, तो रोहित शर्मा जर्सी नंबर 45, आज फिर से वो मौका है, वो दस्तूर है। और 96 अभी हमारा बेस्ट है फिलहाल, इसको शतक में तब्दील करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारे यहाँ से। तो पहली गेंद काफी बढ़िया लेंथ पे की है ये, और हमने भी हल्का सा अपर कट कर दिया जी। वन बाउंड्री बाउंस पहली गेंद पे ही दे के जाएगी हमको। कमाल का शॉट था वो। और ये गेंद भी कुछ अच्छी लग रही है मुझे। और नहीं, लेकिन पीट हो गया मेरा जरा सा यहाँ पे। यस यस, वन बाउंस बाउंड्री, बहुत बढ़िया। चलिए, दो चौके आ चुके हैं यहाँ पे हमारे लिए। नेक्स्ट बॉल, चौथी गेंद इस ओवर की जाएगी वन बाउंस बाउंड्री के लिए। ये भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं अभी तो। चले जी, इस बार मैं ऑफ साइड की तरफ उठा के मारने वाला था बट अच्छी गेंद यहाँ पे बीट हो गया। हम थोड़ी सी फील्डिंग चेंज, लास्ट बॉल है तो मैं यहाँ पे जो सिंगल लेना चाहूंगा सीधे बल्ले से। और स्ट्राइक रहेगी हमारे पास नेक्स्ट ओवर के लिए। 13 रन इस ओवर से आए। तो अब आ चुके हैं कपूर साहब गए, 4 रन दे के जाएंगे पहली गेंद पे। चले नेक्स्ट बॉल इसी के बीच, और ये भी मेरे हिसाब से जाएगी, ये भी गई, बहुत बढ़िया गई। 4 एक बार फिर से अच्छी लय में दिख रहे हैं आज रोहित शर्मा सच में यार। पहली गेंद से प्रहार हमारा जारी है और अभी तक लगाती जा रहे हैं। और ये अच्छी बॉल है, और लेकिन ये नो बॉल है, यानी कि ये फ्री हिट। तो फ्री हिट है जनाब, इसको कहीं पे भी भेज सकते हैं आप। और अब बात ही चल रही है कि अब गेंद में आउट ऑफ द पार्क ही भेजूंगा। चलिए देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। तैयार हैं जी हम। ये गई है लेकिन जस्ट 4 के लिए, टाइम अच्छा नहीं कर पाए बट 31 पे पहुंच चुके रोहित शर्मा। ओके, ये गेंद अच्छी लेंथ पे, जस्ट परफेक्ट शॉट पे, जस्ट सिंगल लेंगे हम। और एक गेंद अभी खान साहब भी खेलेंगे, वो भी देख लेते हैं क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट बॉल अच्छी लेंथ पे ये, हालांकि टाइम बहुत बढ़िया गया था, हमने गैप में नहीं जा पाई गेंद, रोक लिया इसने। चलिए नेक्स्ट बॉल, इस बार फिर से गैप ढूंढने की कोशिश मेरी। ओके, परफेक्ट टाइम था या कवर ड्राइव लगानी चाह रहा था मैं। चलिए इस बार उठा के मारते हैं। ओ नहीं, परफेक्ट टाइम था, अगर स्टंप पे लगती तो क्लीन बोल्ड हो जाना था अभी हमको यार, क्या गेंद थी। चलिए नेक्स्ट पॉलिसी के बी जी, अच्छा शॉट है और, लेकिन नहीं 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 गैप में नहीं जा पाए ये भी। चलिए इस बार मैं कवर के ऊपर ही उठा के मारा है शॉट, कहाँ जा रही है गेंद। ओ कैमरा एंगल क्या ग्लिच हो गया था। वन बाउंस बाउंड्री मिली लेकिन इस गेंद पे हमको। चलिए नेक्स्ट बॉल, मिस टाइम और पकड़ लिया आराम खोर ने यार, इतना भी गंदा टाइम नहीं था। अब बार पे देख सकते थे वो हमारा जो था परफेक्ट मिड ग्रीन बार होता है उसके आसपास ही था, मतलब ये कैच नहीं बनता था यार, दैट्स नॉट फेयर। फिर से हाफ सेंचुरी चूक गई हमारी, सेंचुरी चलो भी दूर की बात है, हाफ सेंचुरी चूक गई। 135 रन बना पाई है हमारी टीम जस्ट यार। ये तमिलनाडु की टीम ना सच में स्ट्रांग है, कहीं ये फिर से ना हरा दे हमको। ओह कम ऑन प्लीज, हारना मत यार, इन लोगों से मत हारना और किसी से भी हार जाओ। बजगी बैंड यार, क्या है इस टीम में, सीरियसली मैं हैरान हूँ हमेशा। अगर आप हेड टू हेड की बात करें तमिलनाडु के साथ, हमारा जस्ट एक मैच जीता होगा वो 4-5 मैचों से, हमेशा यही टीम जीती है यार। कपूर, ये देखिए रणबीर कपूर कौन है, शाहरुख कपूर जो भी है, 32 रन बना गया, एक विकेट ले गया, मैन ऑफ द मैच खिताब आ गया ये राम कौर। तो कितने रन बनाए थे हमने, 36। चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, होप कि वहाँ पे कुछ अच्छा हो वाले यार। तो गाइस नेक्स्ट मुकाबला हमारे यहाँ से राजस्थान रोड्स के साथ में। नारायण की हेयर स्टाइल है, नारायण का हेयर स्टाइल है और टेल्स का कॉल कर रहे हैं हम। देखते हैं टॉस जीतते हैं या फिर टॉस हारते हैं। आई थिंक ये लास्ट मैच भी हो सकता है, मतलब अगर हम आउट जल्दी नहीं होते
ओके तो मैं बैटिंग करूंगा अभी, थोड़ा सा आराम से खेलेंगे यार, मतलब अच्छी गेंदों पर मारेंगे वरना वो छोड़ देंगे हम, और गेंदें भले ही बहुत ज़्यादा हो जाए लेकिन अभी हाफ सेंचुरी एटलीस्ट करनी है, हमारा एवरेज भी गिर रहा है यार। एक बार फिर से जर्सी नंबर 45 रोज सुपर ट्रीटमेंट शर्मा तैयार है अपनी भल्लेबाजी करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए। 287 का हालांकि स्ट्राइक रेट हमारा बढ़िया है। तो चलिए पहली गेंद जैन की, और हल्के हाथों से खेला है हमने, जस्ट दो ही मिल पाएंगे अकॉर्डिंग टू मी, बिल्कुल दो रन के साथ खाता खोलेंगे रोहित शर्मा अपना यहाँ से। ओके दिस बॉल इज वेरी गुड, जस्ट डिफेंड इट, ये हाथ खोलने का मौका है गाइस। और ये वाइड है यार, बहुत दूर होगी ये गेंद, आई थिंक ये भी घूमेगी। अबे बीट हो रहे हम सीरियसली यार, बीट तो कभी हो ही नहीं रोहित शर्मा, जिस एंगल से गेंदबाजी कर रहे हैं मतलब जिस लाइन पे कर रहे हैं वहां शॉट लग ही नहीं पा रहा हमारा। ये निकली है गेंद और ये जस्ट दो, नहीं 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 दूसरा मत भागिए, जस्ट सिंगल ही आएगा यहां से। चले जी, चिराग आया है और चिराग गया 6 रन के लिए, ये बढ़िया शॉट है यार, कमाल का शॉट मारा है ये, ऐसे छक्कों की जरूरत है अभी हमको। ये भी वही गेंद है, वही लाइन पे है, ये भी जाएगी दूसरा सिक्स, कम ऑन रोहित, हिटमैन शर्मा। ये 6 तो नहीं है, ओ भी 6 है ये, ओ यार तीसरा 6, बैक टू बैक हैट्रिक ऑफ सिक्सेस कर दिए यहां पे रोहित शर्मा ने, कम ऑन। नहीं इस बार जस्ट पहले बाउंस हो गया यार, अगर ये भी 6 होता तो चांस है था छक्के लगने का, 6 छक्के लगने का, बट बहुत बढ़िया खेल रहे हैं अभी फिलहाल। चलिए नेक्स्ट बॉल, ये 6 तो नहीं है, ये भी जस्ट बाउंड्री है, लेकिन ओवर ये बढ़िया जा रहा है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट ओवर की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, बढ़िया लेंथ पे गेंद थी लेकिन गैप ढूंढा रोहित शर्मा ने, क्लासी शॉट लेग साइड की तरफ, 4 रन मिलेंगे। इस बार कवर ड्राइव लगाने की कोशिश है मेरी, लेकिन लेट हो गया बहुत हम खेलने में, इसकी गेंद अंदर की तरफ घूम रही है स्विंग, तो आई थिंक ये शॉट नहीं खेलना चाहिए, इससे अच्छा ये वाला शॉट खेल सकते हैं, अच्छी गेंद लगी ये भी। ओके ये फील्डिंग सही लग रही है मुझे, ये बढ़िया शॉट मारा है, आई थिंक ये रुकना तो नहीं चाहिए, और रुक गया यार, मेरे को लगा 4 मिल जाएगा हमको। लास्ट 2 गेंदें बाकी हैं और ये भी गेंद कैप में गई है, अबे ये भी रोक लिया इसने, 2 मिल पाएंगे जस्ट। गाइस स्पिनर आ चुका है यहाँ से, ये स्पिनर आया, स्पिनर गया, 6 दे के जाएगा, जस्ट 4 रन दूर है अभी हमारे अर्धशतक से। और लीजिए जी इस गेंद के साथ 1 बाउंस बाउंड्री, 55वीं अर्धशतक रोहित शर्मा का, आई होप कि इसको हम सेंचुरी में तब्दील कर दें, वो 4 जो हाफ सेंचुरी वो उतनी ही रहे, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, कमाल रोहित शर्मा। चलिए नेक्स्ट बॉल, और ये भी जाएगी, ये भी गई, गो एंड गॉन 6 के लिए, इसकी तो हमेशा पिटाई करते हैं, कौन है ये गेंदबाज। नेक्स्ट बॉल, ओह माय गॉड, ये तो बिल्डिंग के शिखर पे पहुंच चुकी है गेंद 6, बहुत बड़ा सिक्स था ये। लास्ट 2 गेंदे इस ओवर की, और ये भी जेगी ले जाएगी जनाब, कितने छक्के आगे इस ओवर में, अभी हमारा शतक हो सकता है यार। लास्ट बॉल है तो मैं जस्ट सिंगल लेना चाहूंगा यहाँ से, बहुत बढ़िया जस्ट कवर ड्राइव लिया हमने, सिंगल या 69 पे पहुंच चुके हैं अभी रोहित शर्मा, 23 गेंदों का सामना किया। चलिए जी नेक्स्ट ओवर की शुरुआत इस ओर से, ये हेलीकॉप्टर लैंड सही से नहीं हुआ था, बच चुके लेकिन फिर भी बाबा रोहित शर्मा चौका मिलेगा इस गेंद पे। नेक्स्ट बॉल आते हुए ये भी स्टंप की लाइन पे गेंद रखी है जनाब ने, लेकिन ये भी पढ़ लिया, 4 देके जाएगी, 77 स्कोर हो चुका है अभी हमारा। ओके ये अच्छी गेंद है, यहाँ पे जस्ट डिफेंड, इसको उठा के मार सकते हैं हम, यस बहुत बढ़िया, ऑफ साइड की तरफ खेला है, 1 बाउंस 2 बाउंस बाउंड्री, 81 पे आ चुके हैं यार, क्या शतक आ सकता है, उम्मीदें मत दीजिए हमको यार, फिर से वो की गंदा शॉट खेल गया, फिर आउट ना हो जाए कहीं। ओहो ये तो 6 है, ये हेलीकॉप्टर शॉट है, महेंद्र सिंह धोनी से सीखा हुआ, 87 पे आ चुके हम। गाइस लास्ट बॉल है और मैं सिंगल ही लेना चाहूंगा, ये चौका लग जाए ठीक है, नहीं चौका नहीं लगा, सिंगल ले जाएंगे, स्ट्राइक अपने पास रहे, 5वें ओवर में हमारी सेंचुरी हो जाएगी लग रहा है ऐसा। नो, बहुत अच्छी गेंद है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
अबे डिफेंड किया मैंने यार, अब मैं बड़ा शॉट कहाँ पे खेला, लॉफ्ट तो मैं खेला ही नहीं। फिर भी यार इस गेम का ना लॉजिक ही नहीं है कुछ, सच में बिल्कुल लॉजिक नहीं है। मतलब डिफेंड करने जाओगे कुछ और ही हो जाता है वहाँ पे। 88 फिर रह गए यार, मतलब गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। अब क्या कहूँ मैं, 71 सेंचुरी ना रोहित शर्मा की आई है ना, सॉरी 71 सेंचुरी ना तो वो कोहली की आई अभी तक, ना ही रोहित की आई है। पता नहीं कब आएगी, किसकी पहले आ गई ये भी नहीं पता। 8 छक्के 7 चौके 30 गेंदे खेली 88 रन रोहित शर्मा बना के गए। हालांकि मैन ऑफ द मैच ये लेके जा सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, हमने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। जस्ट यहाँ से ऑटो प्ले करते हैं इसको। कितने रन बनाएंगे ये लोग जी, बहुत पिछड़ चुके हैं ये तो, बहुत पिछड़ चुके हैं तो ऑब्वियसली ये नहीं जीतेंगे। 89 रन के साथ लगभग हमारे जितने रन बनाए भाई 88 हमारे ही रन के बदौलत ये टीम जीती है यहाँ पे। तो प्ले ऑफ के लिए तो हमें जा चुके थे, एलिजिबल हो चुके रोहित शर्मा, मैन ऑफ द मैच लेते हुए अपने नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। बट शतक नहीं आया यार, सीरियसली डिसअपॉइंटमेंट दी आपने। ओके तो गाइस, तो इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड जो है वो हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया, व्यूज़ अगर आ गए 400-300 के आसपास तो फिर बढ़िया रहेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी WCC3 के कैरम और जो पसंद है या उसके फ़ैन है। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।